प्रणाम सभी को, राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और लगातार जेके मीडिया बस इसी प्रयास में है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्कूलों की छुट्टियों को एक्सटेंड किया जाए, यानी कि विंटर हॉलीडेज़। विंटर हॉलीडेज़ जिसके लिए हमने लगातार मांग करी और दो दिन की और छुट्टी मिली, आगे सैटरडे संडे था चलो, लेकिन कल सोमवार है और कल से स्कूल लगेंगे और लगातार हम यही डिमांड कर रहे हैं कि यार छुट्टियां एक्सटेंड कर दो। मौसम अभी जो है उस तरह का नहीं है कि छुट्टियां जो है अभी ख़त्म कर दी जाएं। अभी आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कितनी फॉग है। सुबह भी हमने आपको दिखाया कि दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे थे, दोपहर क्या कहें, उस समय भी फॉग थी। यानी कि 3 बजे तक अगर फॉग है तो इसका मतलब ये है कि सुबह फॉग रहेगी। तो अगर सुबह फॉग रहेगी तो छोटे छोटे बच्चों को स्कूल किस तरह से ले जाया जाएगा, इसके लिए हमारी लगातार ये वीडियो है। पंजाब को लगता है कि उनके बच्चे बीमार नहीं होने चाहिए, उन्होंने 14 तारीख तक छुट्टियां एक्सटेंड कर दी। दिल्ली को लगता है कि दिल्ली के बच्चे बीमार नहीं होने चाहिए, उन्होंने छुट्टियां 15 तारीख तक एक्सटेंड कर दी। लेकिन जम्मू की जो हमारी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, डायरेक्टर साहब है, उनको बच्चों की कोई फिक्र नहीं है, उनको बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। उनके लिए बच्चे बीमार होते हैं तो होते रहें, उन्होंने छुट्टियां अभी तक कोई एक्सटेंड नहीं की है। मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग मैक्सिमम शेयर करें और जब आप लोग शेयर करेंगे तो ये वीडियो जो है एलजी साहब तक जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा जी को टैग जरूर कीजिएगा। एलजी साहब इंस्टाग्राम पे भी हैं, एलजी साहब ट्विटर पे भी हैं और ऑफिस ऑफ एलजी जम्मू एंड कश्मीर का पेज फेसबुक पे भी है। कृपया करके आप लगातार एलजी साहब को टैग करें ताकि एलजी साहब को भी लगे कि भैया अगर दिल्ली में छुट्टियां एक्सटेंड हो सकती हैं, पंजाब में छुट्टियां एक्सटेंड हो सकती हैं तो जम्मू में भी हो सकती हैं। क्यों जम्मू में छुट्टियों को एक्सटेंड नहीं किया जा रहा, ऐसी क्या इतनी ज़्यादा जो है मारो मार पड़ी है कि बच्चों को स्कूल बुलाना ही बुलाना है। आधे स्कूलों ने क्या किया है कि भैया ये बच्चे छुट्टियां ना मांगे, उनके पेपर अनाउंस कर दिए हैं। यार हद है, इतनी सर्दी पड़ रही है, आप पीछे देखें मेरे कितनी फॉग पड़ी हुई है। जहां पर अभी मैं खड़ा हूं यहां से भी बच्चे स्कूलों में जाएंगे, इतनी फॉग में बच्चे अगर स्कूलों में जाएंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। बच्चे जहां पर पढ़ने के लिए इतनी फॉग में नहीं जा सकते तो स्कूलों ने इतना अपना खुराफाती दिमाग है कहीं स्कूलों का, उन्होंने एग्जाम ही अनाउंस कर दिए कि भैया एग्जाम दे दो, कि बच्चों को अगर पेरेंट्स ना भी भेजें क्योंकि उनकी सेहत को देखते हुए तो एग्जाम के लिए उनको भेजना ही पड़े। देखिए कितनी कितनी दुखद है ये बात कि जहां पर अगर स्कूलों को लग रहा है कि अगर डायरेक्टर साहब छुट्टियां एक्सटेंड भी कर दें तो कई स्कूलों ने अपनी खुराफाती दिखाई है और उन्होंने पेपर अनाउंस कर दिए हैं। यार पेपर अनाउंस करने का क्या मतलब है कि आप लोग बच्चों को इस सर्दी के अंदर बीमार करके आप बच्चों के पेपर दिलवाएंगे। जब कोरोना की वजह से इतनी देर स्कूल बंद रह सकते हैं तो इस सर्दी में क्या स्कूल बंद नहीं रह सकते। और ऑनलाइन क्लासेस अगर इंट्रोड्यूस की गई है तो क्या हमारे टीचर्स बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ा सकते। सब कुछ हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, तो जम्मू में क्यों नहीं हो सकता। जम्मू भी तो पंजाब के साथ ही लगता राज्य है, अगर पंजाब में इतनी सर्दी पड़ रही है तो जम्मू में सर्दी नहीं पड़ रही। और दूसरी बात, हमारा मौसम विभाग क्या कहता है, मौसम विभाग ये कहता है कि आने वाले 3 से 4 दिन कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। कश्मीर के अंदर बर्फबारी होगी और जम्मू के अंदर जो है धुंध ऐसे ही रहेगी। तो अगर कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है तो क्या बच्चों को इस कड़ाके की सर्दी में आप स्कूल में बुला रहे हैं? ये बच्चों की एजुकेशन के साथ और बच्चों की जिंदगी के साथ खेलने वाली बात है, क्योंकि इतनी सर्दी में कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो अगर नहीं भेजेंगे तो आप लोग क्यों बार बार जो है बच्चों को इतना फोर्स कर रहे हैं, फैमिलीज को फोर्स कर रहे हैं कि आप लोग बच्चों को भेजिए। और जहां पर स्कूल को लग रहा है कि बच्चों को शायद नहीं भेजेंगे, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो एग्जाम अनाउंस कर रहे हैं। मतलब कि एग्जाम अनाउंस कर देंगे तो आपके बच्चों को स्कूलों में आना ही पड़ेगा। तो बड़ी दुखद बात है, अगर दिल्ली छुट्टियां अनाउंस कर सकती है, पंजाब छुट्टियां अनाउंस कर सकती है, तो भाई जम्मू भी कर सकता है। जम्मू के हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनको भी सोचना चाहिए बच्चों के लिए। देखिए मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये बड़ा लाइव वीडियो के साथ ही बात कर रहा हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे, मैंने पहले भी दिखाया, फॉग पड़ी हुई है। मैं कैमरा दूसरी तरफ भी मूव करके दिखा देता हूँ, अभी आप देखेंगे
फॉग पड़ी हुई है, ये फॉग अभी आने वाले 3-4 दिन इसी तरह से रहेगी। तो अगर फॉग इसी तरह से रहेगी तो बच्चों की जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ करना। मेरी अपील है एलजी साहब से, क्योंकि लगातार हजारों फोन आ रहे हैं और हजारों फोन जेके मीडिया को फैमिलीज के आ रहे हैं, पेरेंट्स के आ रहे हैं, बच्चों के दादा दादी फोन कर रहे हैं, नाना नानी फोन कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को हम स्कूल कैसे भेजें, टीचर्स फोन कर रहे हैं, हालांकि टीचर्स तो अब बोल नहीं सकते, उनको तो आना ही है, लेकिन टीचर्स भी फोन कर रहे हैं कि इस समय कंडीशन ठीक नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और एक और छोटी सी बात मैं रखना चाहूंगा, कई लोगों को बुरी लगती है तो लगती रहे, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। अगर कश्मीर के अंदर सर्दी पड़ती है, काफ़ी सर्दी पड़ती है, मैं मानता हूँ मेरे कश्मीर के जो भाई बहन हैं काफ़ी सर्दी में जो है जीते हैं, और उनके बच्चों के लिए 2.5-2.5 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस सर्दी के अंदर 2.5 से छोड़कर 3 महीने की छुट्टियाँ हो। लेकिन जब गर्मियों की छुट्टियां जम्मू में पड़ती हैं, जहां पर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो सिर्फ 25 दिन जम्मू के अंदर 25 दिन गर्मियों की छुट्टियां, क्या जम्मू में सिर्फ 25 दिन की गर्मी होती है? आजकल तो मार्च से लेकर अक्टूबर तक गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी में जम्मू में सिर्फ 25 दिन की गर्मी की छुट्टियां और कश्मीर में सर्दी की छुट्टियां 2.5 महीने की। मैं कहता हूं कि कश्मीर में सर्दियों की छुट्टियां 3 महीने की करो, लेकिन जम्मू में गर्मियों की छुट्टियां 25 दिन। और दूसरी बात, आज सर्दियों की छुट्टियां जब जम्मू के अंदर होती हैं तो सिर्फ 5-6 दिन के लिए, इसीलिए एक बात की जा रही है कि छुट्टियों को एक्सटेंड किया जाए। मेरे कश्मीर के भाई बहन भी इस बात के लिए सपोर्ट करेंगे कि जम्मू में सर्दी पड़ रही है और जम्मू में छुट्टियां एक्सटेंड होनी चाहिए। बस इसीलिए मेरा ये वीडियो है कि जम्मू में छुट्टियों को एक्सटेंड किया जाए। ये छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, बारिशें नहीं पड़ी हैं जिस कारण, सर्दी के कारण बच्चों को खांसी जुकाम काफी ज्यादा चल रहा है, और इस स्थिति में बच्चों को छुट्टियां एक्सटेंड होनी चाहिए। अगर मेरी ये बात अच्छी लगे तो कृपया करके शेयर करें, जम्मू के लोग भी और कश्मीर के लोग भी, क्योंकि मैं अपने कश्मीर के भाई बहनों के बिल्कुल साथ हूं कि सर्दियों में वहां पर अगर 2 महीने की छुट्टी होती है, 2.5 महीने की छुट्टी होती है, तो उसको 3 महीने की छुट्टी की जाए, लेकिन गर्मियों में जम्मू में भी सिर्फ 25 दिन की छुट्टियां नहीं की जाए, उसको एक्सटेंड किया जाए। और इस समय सर्दी पड़ रही है, फॉग लगातार पड़ रही है, इसीलिए बच्चों की छुट्टियों को एक्सटेंड किया जाए। छोटी सी रिक्वेस्ट है एलजी साहब, मनोज सिन्हा जी से, कि मनोज सिन्हा जी आप बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ ना होने दें और छुट्टियों को एक्सटेंड करें। इस वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम, देखते रहें जेके मीडिया, और जेके मीडिया अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। राम राम।